वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम वेलकम टू मेड बाय मी। इस वक्त मैं आपको न्यू बॉर्न की ही सीरीज़ में जो है आपको एक कैप बनाना बता रही हूँ न्यू बॉर्न बेबीज़ का। ये बहुत आसान और बहुत खूबसूरत कैप है। इसको मैं कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखें कपड़े को चार तह लगाई। ये देखें, एक ये हमने पूरा ये तह करा है, ये देखें ये पूरा। उसके बाद इसी को हमने डबल करा है ये। अब ये हमारे पास आया है तकरीबन, मैं आपको बता देती हूँ कितना है ये। ये हमने नीचे से हमने रखा है, ये हमारा है 7 इंच, ठीक है, और ये है हमारा 8 इंच। ये लंबाई हमने यहाँ लगाई है 8 इंच और ये है 7 इंच। और यहाँ से मैं बीच में से यहाँ से आपको मैं बता दूँ नापना शुरू करूँगी मैं, तकरीबन मुझे चाहिए 9 इंच। ये देखें, ये इस कोने से इस कोने तक मुझे 9 इंच है। अब मैं इसको इस तरह से निशान लगा देती हूँ। ये देखें गोलाई में, यहाँ से हमारा ये गुलाई जाएगी, ये पूरा, ये देखें ये आ गया आपका। अब मैं पहले इसको कटिंग कर लेती हूँ अपने। हमारी पूरी गुलाई है हमारी आ गई है इस तरीके से। यहाँ मैं एक कट का निशान लगाऊंगी ये, और एक हमारा कट का निशान यहाँ आएगा, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी ये इस तरीके से हमारा कैप बनेगा ये, और ये हमारा कैप आएगा इस तरीके से। उसके बाद जो है ये हम जो है इसका इसको भी बना लेते हैं कि इसकी फ्रंट का क्या होगा। ये हमारा ये तकरीबन यहाँ से हम लेंगे लंबाई इसकी 5.5 इंच। ये देखिए 5.5 इंच है ये हमारा। और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। ये आप देख लो गौर से, ये 2.5 इंच है हमारी, और ये यहाँ से हमने लिया है तकरीबन 5.5। और उसके बाद इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो किसी स्केल वगैरह की मदद से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैप की शक्ल आ गई है। अब हम इसको काट के यहाँ पे भी हम एक कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बहुत आसान सा इजी सा कट गया ये आपका कैप। ये इसका सीने का तरीका ये होता है, ये आपका सामने का हिस्सा है और ये इसमें आपके पलेटे आएंगे चुनटे, और ये इस तरीके से आएगा पूरा, और यहाँ से ये इस तरीके से आके ये आपका कैप तैयार हो जाएगा। ये सीधे वक्त आप ज़्यादा वाजे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें हम डोरी लगाएंगे अपने कोई खूबसूरत सी बेल या रिबन या कुछ भी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें लगाएंगे। अब हम इसको सीने के लिए चलेंगे। अब आपको सी के बताते हैं कैसे सिले गए। अब ये मैं अपना न्यू बॉर्न का कैप तैयार कर रही हूँ। बोनट कहलाता है कैप है ये, बहुत खूबसूरत सा है ये, आप देख लें। ये इसको मैंने जो है इस तरीके से ये अपने इसमें भी मैं हल्की सी डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ में खूबसूरती आएगी जब तक, ये देखें ये हमारा ये है, इसके साथ ये आएगा। अब मैं इसमें बेल लगा रही हूँ।
उसके बाद हम इसको यहाँ पहले यहाँ से सीएंगे इसको, फिर हम अपनी बेल को एडजस्ट करेंगे। आपका अब इसको फोल्ड करके हमने ये बेल निकाल लेंगे। देखो ये हमारी बेल निकल गई है इसकी, इसको बराबर कर लेंगे यहाँ पे दोनों तरफ से। ये हमारी ये यहाँ लगेगा, ये वैसे भी हमें कट का निशान चाहिए होता है इसको एडजस्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको जो है अब नेक्स्ट हम इसमें करते हैं अपना काम। इसमें हमने इसके ऊपर अभी हमने अपने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फ्रंट है, बच्चे के सर पर आता है, तो यहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। देखें प्लेटें डालते रहेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से ये हमारा ये इस तरीके से सामने आएगा फ्रंट। इसकी जगह कोई बेल लगा सकते हैं जो आपकी इस तरह इसमें बाहर निकले, इस तरह निकल कर आए। और मैं इसमें जो हूँ अपने हिसाब से ये बेल जो मेरी है ये बाहर निकलती इतनी खूबसूरत नहीं लगती, तो मैंने इसलिए ये पट्टी लगाई। किस तरह आएगा ये हमारा उलट कर, ये देखें ये हमारा ये है, ये इस तरह आना चाहिए हमारा उलट कर कैप में। ये देखें इस तरीके से कैप में। मैं अब गैदर्स डालना शुरू कर रही हूँ, मैं ये हाथ से डाल रही हूँ ताकि जो है वैसे आप मशीन से भी डाल सकते हैं, ये मैं हाथ से डाल रही हूँ। हल्का हल्का सा मैंने ये कच्चा करना शुरू करा है, ये देखें देखें ये देखेंगे हमने गैदर्स डाल दिए इसके अंदर। ये हमारा जो है बीच में ये आपको मैंने कट लगाया हुआ था, ये देखें ये रहा, उस हिसाब से जो है मैं अपना गैदर्स जो है यहाँ से आपको करके दिखाऊंगी। पहले मैं यहाँ रखूँगी ये हमारा एक कट यहाँ लगा हुआ है, एक कट यहाँ लगा हुआ है। ये देखें इस कट के ऊपर हम सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया मैं इस पर पिन लगा लूँगी ताकि मुझे आसानी हो। ये देखें ये आ गई, अब ये जो है हम इसको इसमें पूरे इसमें मैनेज कर लेंगे। ये देखें यहाँ तक पूरा चलें, ये मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। ये जो है हमारा अंदर की तरफ हम इसे करेंगे इस तरीके से। ये देखें ये हम लास्ट का छोड़ देंगे क्योंकि मुझे सेटअप करना होगा, ये पहले मैं सिर्फ इसको कर लेती हूँ आपका। ये देखें लास्ट का मैं छोड़ रही हूँ ताकि मैं अपना सेटिंग करूँगी, तब फिर उसके बाद मेरा ये काम आकर होगा। ये देखें मैंने ये करा मशीन
बीच में हम फैलाना शुरू करेंगे इसके हल्के हल्के हाथों से। तो निकाल लिया हमने, ये देखिए क्या हमारा ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया हमारा, ये इसको मैं काट के निकालूंगी अपनी सुई को, ये रेडी हो गया। अब ये जो हमारा पीस, ये जो इसका जो ऊपर का बचा हुआ है, ये देखिए इसको हम इस तरीके से बराबर करेंगे, इतना आना चाहिए हमें। फिर हम पहले इसको हम सी लेंगे यहाँ से, इसको सिलना शुरू करेंगे बिल्कुल इसी सिलाई को लेकर आएंगे इसको। बिल्कुल बराबर आना चाहिए हमारा यहाँ पर। पहले हल्का सा सिलाई के हिसाब से थोड़ा सा पार्ट कटिंग कर देंगे, ये देखेंगे हमारा हो गया ये, ये हम इसको लटेंगे, ये हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ये हमारा है। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे मैं हल्की सी हम डालेंगे जितनी हमें चाहिए, ये देखें ये हमारा दिया आएगा हमारा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये मैं हल्का से यहाँ पे आपको डाल के दिखाती हूँ ट्रीटमेंट, ये यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों में, फिर मैं इस पर मशीन चलाऊंगी पहले अपनी, ये देखो यहाँ पर ये हम इसको पूरा ले लेंगे सी लेंगे, उसके बाद ये अंदर जाएगा ये हमारा, ये देखें यहाँ से, और यहाँ से भी हमने छोड़ा था इसको हम कवर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इधर से छोड़ा था हमने दोनों तरफ से छोड़ा था, इसको दोनों को हम सीधे बराबर कर लेंगे अपना, ये देखिए ये हमारा ये आ गया हमारा। अभी मैं इस पर मशीन चलाऊंगी, ये जो हमारा सामने वाला पीस है पहले इस पर चलाऊंगी, फिर अंदर की तरफ चलाऊंगी, देखिए पहले मैं इस पर चलाऊंगी, ये निकाल दिया
सफ़ेद धागे तक को इधर ही चलाया मैंने, दोनों काट के निकाल लिया हमने। अब हम इसको नीचे से हम फोल्ड करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ तक काम कर लिया अपना। ये जो है आपका बेल लगा के ये हमने यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह कोई कपड़ा लगाने के बजाय आप कोई खूबसूरत सी बेल लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ना लगाएं, खाली ऐसे ही रहने दें। सिर्फ इस तरह जो मैंने ये काटा हुआ ये दोनों तरफ का पीस इस तरह रहने दें। और उसके बाद मैंने नीचे का ये चुन्नट लगा दिया, बिल्कुल बराबर करके दोनों को लिया हुआ ये देखें। और उसके बाद अब मैं सबसे पहले काम करूँगी, ये मैंने यहाँ पे मोड़ कर इसको साफ करके यहाँ पे ये मोड़ा हुआ। अब इसके ऊपर मैं ऊपर से मशीन चलाऊँगी ताकि यहाँ से आपको नज़र आए कि यहाँ से हम मशीन चला रहे हैं इसको। ये देखें ये हमारा है, सारा कुछ अंदर करके हमने इसके बाद इसके ऊपर मशीन चला ली। ये हमारा रेडी हो गया। ये आप देख रहे हैं ये तकरीबन हमारी कैप जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट में जो है आपको एक दफ़ा और वजाहत करके बता देती हूँ कि यहाँ पर अब मैं पाइपिंग लगाऊंगी नीचे के उसकी टोपे की। ये हमारा ये है ये कपड़ा मैंने मोटा डबल इसलिए रखा है सिर्फ कि सर्दियों में बच्चों को सेफली होता है। आप चाहें तो एक कपड़ा भी रख सकते हैं इसकी जगह। ये जो है यहाँ से हल्का सा मैं यहाँ पे मैंने चुन्नट नहीं दी थी, यहाँ पे चुन्नट दूंगी ना। देखें मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ पूरी चुन्नट देते हुए। ये यहाँ ये हमारी यहाँ पे हल्की हल्की से हम चुन्नट आई, ये देखें चुन्नट आ गई पूरी। अब हम इसमें अपनी पाइपिंग लगाएंगे, लास्ट हमारा स्टेप है बिल्कुल। उसके बाद हमारी कैप तैयार हो जाएगी। मैंने बराबर करा है देखें, पूरा मैं इसको बराबर कर लूँगी। ये देखें ये हमारी लास्ट, ये हमारी कैप तकरीबन तैयार हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इसमें ये हमने पैकेट तैयार करके पहले ही रखी हुई है, अब हम इसमें सिर्फ पाइपिंग लगाएंगे। ये देखेंगे यहाँ से मैं लगाना शुरू करूँगी, जितनी मुझे पाइपिंग की ज़रूरत है उतनी मुझे चाहिए। बच्चे के बांधने के लिए होनी चाहिए ये। अब यहाँ से हम अपना ये लगाना शुरू करेंगे टोपे को। ये देखें यहाँ इतनी मैंने करके अब ये टोपे में अब टोपा बीच में एडजस्ट कर। देखें मैं लगाती जाऊंगी आपको। हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे ही। अब इसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे, ये हमने मैंने ये कपड़ा लिया है इसको मैंने यहाँ रखा, उसके बाद इसको इस तरीके से मैंने यहाँ बनाया ये देखें। उसके बाद इसको मैं इस तरीके से पहले मैं गुलाई करूँगी, ये देखें ये आया हमारा। बीच में से इसको कट कर दूँगी मैं,
ये आ गया। अगर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ये मैं सीने के बाद करूँगी छोटा, ये पहले मैं सी के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ ये हमने रखा, उसके बाद इसको यहाँ रखा और फिर इसके बाद इस जिस तरह हम इस पर मशीन चलाएंगे, दोनों पीस पे हम ऐसे ही करेंगे। देखें इसको एक दफ़ा हम रिपीट करने के लिए इसको रिपीट करेंगे। ये हमारा रेडी हुआ है, ये यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी, फिर यहाँ से करूँगी, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगी क्योंकि मुझे फिर बड़ा लग रहा है। देखें इसको हम इसी तरह रखेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया कैप खूबसूरत सी। ये आपने देखा है, आप चाहें इसकी जगह बेल की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारी कैप हमारा बन उठ के तैयार हो गई। अगर आपको हमारा कैप पसंद आए और कहीं पर आपको कोई लगे कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।